नमस्ते गाइस, राजेश है फॉर नमस्ते टेक और इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ आपके साथ शेयर Redmi 8A के कुछ टॉप फीचर्स, कुछ हिडन फीचर्स और साथ ही साथ अपनी फर्स्ट इंप्रेशंस। Xiaomi ने इस फोन को इंडिया में लास्ट वीक ही लॉन्च किया है और इसे कहता है कंपनी स्मार्ट देश का दमदार स्मार्टफोन। और मुझे कहना होगा कि इस फोन में दम तो ज़रूर है, काफ़ी इंप्रेसिव फोन है इसकी प्राइस के हिसाब से। और इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में और बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको Redmi 8A की स्पेक्स का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस फोन में आपको एक 6.22 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, LCD पैनल है और इसमें एक छोटा सा ड्यू ड्रॉप नॉच भी है ऊपर। साथ ही साथ इस फोन में आपको मिल रहा है एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी। इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आई है, लास्ट टाइम मुझे याद नहीं मैंने ऐसा कौन सा बजट फ़ोन देखा था जिसकी डिज़ाइन इतनी अट्रैक्टिव है। मेरे पास यहाँ पे ब्लू वेरिएंट है लेकिन Xiaomi रेड और ब्लैक कलर में भी Redmi 8A को बेच रहा है। इसकी जो डिस्प्ले है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है, अगेन जो इस रेंज में हमें बहुत ही कम स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको इस फोन में मिल रहा है एक स्नैपड्रैगन 439 चिप, एक 5000 mAh की बैटरी, USB टाइप सी कनेक्टिविटी फास्ट चार्ज सपोर्ट के साथ, वायरलेस FM रेडियो, 2 या 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और ड्यूल सिम कार्ड स्लॉट्स विथ वोल्टी सपोर्ट। कैमरा की बात करूँ तो आपको मिल रहा है पीछे एक 12 मेगापिक्सल का f1.8 शूटर सोनी IMX363 सेंसर के साथ। ये वही सेंसर है जो आपको लास्ट ईयर Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro, यहाँ तक कि Google Pixel 3a और Pixel 3 सीरीज में मिला था। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव बात है कि Xiaomi ने उस सेंसर को एक 6,500 के फ़ोन में भी इंक्लूड किया है। फ्रंट में आपको मिल रहा है एक 8 मेगापिक्सल का f2.2 एपिचर का सेंसर। प्राइसिंग की बात करूँ तो Redmi 8A की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 6,500 से और इसमें आपको मिलता है 2 GB रैम और 32 GB की बेस स्टोरेज। इसके बाद अगर आप चाहें तो 7,000 का भी वेरिएंट ले सकते हैं जिसमें आपको 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज मिल रहा है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप 500 रुपये दे के जो 3 GB रैम वेरिएंट है उसे ही लें, क्योंकि 2 GB और 3 GB रैम वेरिएंट में परफॉर्मेंस को लेके एक डिफरेंस है जो क्लियरली समझ में आता है। इंप्रेसिव बात यहाँ पे ये है कि Redmi 8A इतना सस्ता है लेकिन उसके बाद भी Xiaomi ने इस फोन में ऐसे बहुत सारे फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो आपको दूसरे फोन्स में नहीं मिलता था। तो ये तो हो गई स्पेक्स की बात, अब मैं आपको बताता हूँ इस फोन के कुछ टॉप और हिडन फीचर्स। तो जैसा मैंने स्पेक्स में बताया, Redmi 8A में आपको मिल रहा है वायरलेस FM रेडियो। हो सकता है कि आप FM रेडियो नहीं सुनते हो लेकिन अभी भी जो आम जनता है वो FM रेडियो सुनती है और उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके फ़ोन में FM रेडियो हो। जनरली क्या होता है कि FM रेडियो सुनने के लिए आपको फ़ोन में एक ईयर प्लग लगाना पड़ेगा, ईयर पीस नहीं लगाएंगे आप तो FM रेडियो नहीं चलेगा। लेकिन Redmi 8A में आपको मिल रहा है वायरलेस FM रेडियो। इसका मतलब है कि आप इस फ़ोन में जो FM रेडियो ऐप है उसे ओपन कर सकते हैं, इनेबल करिए FM रेडियो को और आप फिर FM स्टेशन पे ट्यून करके गाने सुन सकते हैं। ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ है कि एक ऐसा फ़ोन आया है मार्केट में जिसमें आपको वायरलेस FM रेडियो फंक्शनैलिटी मिलती है, वो भी इस रेंज में। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये फीचर चलता ज़रूर है लेकिन आइडियली रिकमेंडेड ये है कि आप हेडफोन जैक में एक हेडफोन ज़रूर लगा दें, क्योंकि उससे जो है FM रेडियो की रिसेप्शन और अच्छी हो जाती है। अभी क्या है कि आप वायरलेस FM रेडियो इनेबल करेंगे तो आपको अपने फ़ोन को एक जगह रखना होगा और वहीं पे गाना सुनना होगा। अगर आप फ़ोन को ज़्यादा इधर उधर हिलाएंगे तो फिर थोड़ी नॉइज़ डिस्टर्बेंस आने लगेगी। Redmi 8A में आपको मिल रहा है एक मैसिव 5000 mAh की बैटरी और साथ ही साथ इस फ़ोन में है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। ऑब्वियसली एक बजट फ़ोन है 6,500 का है तो Xiaomi एक फास्ट चार्जर तो नहीं दे रहा है, लेकिन कंपनी इस फ़ोन के साथ एक 10 वॉट का चार्जर दे रहा है जो बहुत इंप्रेसिव है। आप अगर Redmi 7A देखेंगे तो उस तक आपको एक 1 ampere का चार्जर मिल रहा था 5 वॉट का, लेकिन Redmi 8A में Xiaomi ने ना सिर्फ बैटरी कैपेसिटी इंक्रीज की है बट साथ ही साथ एक 10 वॉट का चार्जर भी इंक्लूड किया है। ऑब्वियसली अगर आपको और ज़्यादा फास्टर चार्जिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो Xiaomi खुद एक क्विक चार्ज 3.0 चार्जर बेचता है 450 में, जिसे आप खरीद सकते हैं और अपने Redmi 8A को फुल 18 वॉट स्पीड पे चार्ज कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी है तो ऑब्वियसली इसे चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन
ऑन द फ्लिप साइड 5000 mAh की बैटरी है तो ये फोन आराम से 2-2.5 दिन तो इजीली निकाल लेगा एक सिंगल चार्ज में। इस फोन की 5000 mAh बैटरी की एक और एडवांटेज ये है कि आप इसे यूज कर सकते हैं एज अ पावर बैंक। आप चाहें तो अपने Redmi 8A से अपने किसी दूसरे स्मार्टफोन Redmi Note 7 कोई भी दूसरा स्मार्टफोन जिसमें आपको USB-C कनेक्टिविटी मिलती है उसे चार्ज कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको ऑब्वियसली एक USB-C टू USB-C केबल चाहिए होगा, लेकिन अगर आप Redmi 8A को एज अ सेकेंडरी फोन यूज करते हैं और आपके पास एक केबल है तो आप Redmi 8A को एज अ पावर बैंक भी यूज कर सकते हैं जो किसी टाइट स्पॉट या सिचुएशन में जरूर हैंडी आ सकता है। Redmi 8A की अगर मैं रियर कैमरा की बात करूँ तो ऑन पेपर इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत इंप्रेसिव है। आपको सेम कैमरा सेंसर मिल रहा है जो आपको पिक्सल 3A, पिक्सल 3, Mi Mix 3, Mi 8 Pro ये सब फोन्स में मिलता है। सोनी का IMX363, इसमें आपको एक 1.4 माइक्रोन लार्ज पिक्सल्स मिल रहे हैं, f1.8 एपिचर है और एक 6-piece लेंस है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो सेंसर है वो Redmi 8A में पेयर हुआ है एक Snapdragon 439 चिप के साथ, जिसकी ISP जो है उतनी पावरफुल नहीं है जितना Snapdragon 845 की ISP है, और इस वजह से इसकी इमेज क्वालिटी ऑब्वियसली Google Pixel 3, 3A या फिर Mi Mix 3 को राइवल नहीं कर पाएगी। ये बात नहीं है पर कि इसकी कैमरा क्वालिटी ख़राब है, एक 6,500 के फ़ोन के हिसाब से Redmi 8A की कैमरा क्वालिटी बहुत इंप्रेसिव है। और ये बहुत ही अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग बात है कि Xiaomi ने एक 6,500 के फ़ोन में वो सेम कैमरा हार्डवेयर यूज़ किया है जो इसने अपने लास्ट ईयर के फ्लैगशिप फ़ोन में किया था। एक मेरी कंप्लेंट ज़रूर है पर Redmi 8A को लेके, Redmi 8A में आपको किसी भी तरह का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिल रहा है। फेस अनलॉक ज़रूर है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं और मुझे लगता है कि मोस्ट जो लोग होंगे जो इस फोन को यूज़ करेंगे उनके लिए फेस अनलॉक बहुत यूज़फुल होगा कम्पेयर टू फिंगरप्रिंट सेंसर। Redmi 8A में वो है IR ब्लास्टर को लेके। Redmi 5A तक Xiaomi अपने फ़ोन्स में एक IR ब्लास्टर इंक्लूड करता था, लेकिन Redmi 7A की तरह ही आपको Redmi 8A में एक IR ब्लास्टर नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि आप इस फ़ोन से किसी भी TV, AC, म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। IR ब्लास्टर आपको Xiaomi के ऑलमोस्ट हर अदर फ़ोन जैसे कि Redmi Note 7 सीरीज, Redmi 6 सीरीज इन सब में मिलता था, लेकिन आई गेस Xiaomi ने देखा कि ज़्यादा लोग इस IR ब्लास्टर को यूज़ नहीं करते हैं और इसीलिए शायद कंपनी ने इसे अपने सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन से हटा दिया। Redmi 8A में आपको एक 6.22 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है। पैनल की क्वालिटी अच्छी है, डिस्प्ले को लेकर मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इसकी जो ब्राइटनेस है या हो सकता है कि शायद फ़ोन की जो ऑटो ब्राइटनेस है उसमें कुछ इश्यूज हो उसको लेके मुझे थोड़ी कंप्लेन है। ये फोन समहाउ बार बार थोड़ा लो ब्राइटनेस मोड में रह जाता था और मुझे बार बार इसकी ब्राइटनेस को मैन्युअली इंक्रीज करना पड़ा। ये हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर इशू हो और Xiaomi से सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स कर दे, लेकिन अभी के लिए मैंने ये नोटिस किया, मुझे बार बार इस फोन की ब्राइटनेस को मैन्युअली इंक्रीज करना पड़ता था जबकि मैंने ऑटो ब्राइटनेस इनेबल रखा था। डायरेक्ट सनलाइट में अगर मैं फोन की ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ तो मुझे कंटेंट देखने में उतनी कोई इश्यू नहीं हुई, लेकिन वही था कि मुझे ये चीज़ मैन्युअली करना पड़ा ना कि ये ऑटोमेटिक हुई। तो ये थी दोस्तों मेरे थॉट्स Redmi 8A को लेकर। आपका क्या ख्याल है इस फोन को लेकर? मुझे तो ये इजीली सही में इंडिया का दमदार स्मार्टफोन लगता है। 6,500 में इतना अच्छा स्मार्टफोन मिलना बहुत मुश्किल है। आपके क्या थॉट्स हैं इस फोन के बारे में नीचे कमेंट्स ड्रॉप करें और हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।